यहाँ पे हम लोग आए हैं। हम लोगों का पुराना अपार्टमेंट में यहाँ दोनों का ही बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। खाना बनाने वाली हूँ फिश करी, और बंगाली लोगों को क्या चाहिए, फिश होगा तो। सो गाइज गुड आफ्टरनून, आज मैं आफ्टरनून से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल लिव एंड लव लाइफ। मैं हूँ रूबी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज हम लोग एक जगह पे आए हैं जहाँ पे मेरा और मेरे हस्बैंड जीतू का दोनों का ही बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं हम लोगों का पुराना अपार्टमेंट में। इस दिन से ही सोच रही थी कि आप लोगों को मैं मेरा पुराना जो अपार्टमेंट है वो टूर दूंगी एक बार बाहर से। अंदर तो जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट ये वाला छोड़ चुके हैं, लास्ट 1 ईयर हो गया। अंदर से तो देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे शायद लोग आ गया है। हम लोग जिस रूम पे रहते थे, जिस फ्लैट में रहते थे, बाहर से आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि ये वाला अपार्टमेंट इतना सुंदर है, इतना। ये मल्टी स्टोरेज नहीं है, कॉटेज टाइप का है और बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। इस प्रॉपर्टी का नाम है मार्टिन्स पॉइंट। पे जो एक बेंच है हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कभी कभी हम लोग जब यहाँ पे रहते थे ना, कभी कभी हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और इस साइड आप लोगों को एक बार नज़ारा दिखाती हूँ। देखिए छोटा सा करके एक सुंदर सा पॉन्ड टाइप का है। वहाँ पे आप लोगों को पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, हम लोग दिखाते। वहाँ पे कनाडियन गूस घूम रहा है, तो आप लोगों को मैं एक बार दिखाती हूँ, चलिए। हम लोग फ्लोरिडा वैकेशन ट्रिप के लिए गए थे और हम लोग घर भी चले आए, 3-4 दिन रेस्ट भी ले लिए। और फिर सोच रही थी मैं कि हाँ मैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि रेस्ट लेना हो गया है। क्योंकि हम लोग कार से गए थे ना इस, बट घर आने के बाद थोड़ा सा हम लोग डाउन हो गए थे। हाँ, सो जो ट्रैवल सीरीज का जो एपिसोड चल रहा है वो मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, वो जीतू एडिटिंग कर रहा है क्योंकि बहुत अच्छे से एडिटिंग करना पड़ता है। तो उसको अच्छा लगता है वो ट्रैवल सीरीज एडिटिंग करना, तो वो करता है। और जो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है, जो मैं अभी ये वाला ब्लॉग शूट कर रही हूँ, वो शायद मिडिल में मैं आप लोगों को दे दूंगी। और ट्रैवल सीरीज का जो एपिसोड है वो मिडिल में आता रहेगा अच्छे से, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यही आप लोगों को बताना था। कम्युनिटी का नाम है मार्टिन्स पॉइंट, तो हम लोग यहाँ पे पहले रहते हैं, आप लोगों को बताया मैं। तो हम लोग चल के भी दे सकते हैं, बट बहुत बड़ा है, मतलब अगर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग कार से ही आप लोगों को पूरा अपार्टमेंट का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का पुराना जो अपार्टमेंट मार्टिन्स पॉइंट का कम्युनिटी टूर। सो आप लोग देख ही सकते हो, मैं जो वाला फ्लैट अपार्टमेंट अभी दिखा रही हूँ वो हम लोगों का पुराना अपार्टमेंट था। और मैं पहले भी आप लोगों को बताया था ये वाला अपार्टमेंट थोड़ा सा कॉटेज टाइप का है और 2nd फ्लोर तक है। हम लोग 2nd फ्लोर में रहते थे। ये वाला अपार्टमेंट में ज़्यादातर अमेरिकन लोग ही रहते थे, देसी लोग बहुत ही कम। और बहुत पीसफुल था, बहुत ग्रीनरी था। हम लोग इवनिंग के टाइम निकलते थे वॉकिंग करने के लिए। यहाँ पे है मार्टिन्स पॉइंट का जो घुसने का जो रास्ता है वो वाला रास्ता, और इस साइड है ये वाला ट्रेल। सो हम लोग अभी ट्रेल की तरफ जा रहे हैं। फ्लावर कितना अच्छा है ना। इस फ्लावर का नाम है डांडेलियन। ऐसे ट्रेल के साइड में जो जंगल है वहाँ पे हुआ है। है। आओ, यहाँ पे ज्यादा बात भी नहीं करने का मन करता है। मुझे ऐसा एक फ्लावर लेना है, चेरी ब्लॉसम। हम लोग ट्रेल में 15-20 मिनट चलने के बाद इस वाला साइड से आप लोग पीछे का जो नज़ारा देख रहे हो, ये वाला ट्रेल से आने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। और इस जगह के लिए मुझे ये वाला जो ट्रेल है इतना बेस्ट लगता है, क्योंकि आप लोग पूरा नज़ारा देखिए एक बार। यहाँ पे ये वाला जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में 2-3 साल से लेकर 15-14 ईयर तक यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। फुटबॉल ट्रेनिंग, आई थिंक ना, फुटबॉल ट्रेनिंग होता है, बास्केट ट्रेनिंग होता है, बहुत सारा खेलना कूदना होता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए एक बहुत सुंदर सा लेक है। जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। अभी हम लोग पैटेल ब्रदर्स की तरफ जा रहे हैं। गाइस, हम लोगों का जो शॉपिंग करना वो हो गया है और थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग किए। और पैटल ब्रदर्स में एक कॉर्नर है, मतलब दुकान के अंदर ही एक कॉर्नर है, वहाँ पे ना बहुत अच्छा स्नैक्स मिलता है, डेजर्ट भी मिलता है। मिडिल में बंद हो गया था, जब कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ था तब बंद हो गया था खाना वाना भी। देखा इस बार आया तो फिर से स्टार्ट हुआ और वहाँ से बहुत लोग बंद हो गया था जब कोविड नहीं, जब कोविड सिचुएशन स्टार्ट हुआ था, लाइक 6-7 मंथ पहले बंद हो गया था थोड़ा सा। मगर भी हम लोग लिए, दिखाओ ये वाला पैटीज पिज़्ज़ा काठी रोल, बहुत अच्छा होता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो हम लोग लंच करके निकले थे, आज खिचड़ी खाए थे हम लोग पापड़ के साथ। बट यहाँ पे ये वाला देख के बहुत मन आया कि हाँ चलो खाते हैं। सैनिटाइज करना मस्ट है, बहुत टेस्टी है। जो लोग यहाँ पे रहते हो आप लोगों को पता है, पैटल ब्रदर्स में मिलता है, एक बार टेस्ट जरूर करना, अच्छा होता है। तो गाइस, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ बोलूँगी, इस बात को शेयर करूँगी। अभी इंडिया का हाल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोविड सिचुएशन की वजह से बहुत ख़राब है, इवन पहले से भी ज़्यादा ख़राब है। हम लोग अभी यूएसए में हैं, यहाँ से हर रोज़ हर एक दिन हम लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं। तो बेड मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को एक ही बात बता सकती हूँ कि एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए, पहले से भी ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए। और एक वजह है कि जितना जल्दी हो सके उतना वैक्सीन ले लीजिए। थोड़ा सा सजेशन है मेरे तरफ से कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ और बहुत ज़्यादा इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना आप नेगेटिव फील करोगे, और जितना नेगेटिव फील करोगे उतना ही डर लगेगा मन में। और आप लोग पॉजिटिव रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, सब अच्छा ही होगा। कोविड से नेगेटिव रहिए बट मन से पॉजिटिव रहिए। हाँ, एक चीज़ इधर अच्छा है, यूएसए में लोग फॉलो करता है रूल, तो इसी वजह से अभी हालत ठीक हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है। और इधर तो मास्क पहनना जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी लिफ्ट कर दिया, मतलब अभी बाहर जाएंगे जहाँ पे क्राउड नहीं है उधर मास्क पहनना और मैंडेटरी नहीं है अभी। गाइस, आप लोग पॉजिटिव रहिए और फैमिली के साथ रहिए, जितना हो सके घर में रहिए, और जितना हो सके गर्म पानी पीजिए, हल्दी वाला दूध पीजिए, वेजिटेबल खाइए, जो सब खाना आप लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करता है वो सब खाना खाइए, सब कुछ अच्छा होगा। और दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडियन, मतलब हम लोग देसी लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए ये। जितना जल्दी हो सके अगर सुधरना है ये सिचुएशन को, तो जो जो वैक्सीन मिल रहा है आपका देश में वो वैक्सीन ले लेना है बहुत जल्द से जल्द, और फॉलो करना है, रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है, अपना इम्यूनिटी बढ़ाना है। हाँ, होम ग्रोन इम्यूनिटी बढ़ाना है। और मेरा जो YouTube फैमिली है, आप लोग भी बहुत अच्छे से रहिए और वैक्सीन जल्दी से ले लीजिए। लेट हो गया, और यूजुअली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो घर का काम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि घर का काम करके फिर बाहर जाना, फिर वहाँ पे काम करना और बाहर का कुछ संभालना थोड़ा सा हैट्रिक हो जाता है। इसलिए जब हम लोग बाहर जाते हैं क्या करते हैं कि पहले से अगर खाना रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर खाना नहीं रहता है तो हम लोग बाहर से खाना लेके आते हैं। बट आज कुछ हम लोगों का घर का खाने का मन कर रहा था, इसलिए बाहर से कुछ खाना नहीं ले आए। तो अभी मुझे फटक से खाना बनाना होगा क्योंकि रात हो चुका है। तो चलिए जल्दी से किचन में। सो गाइस, अभी मैं खाना बनाने वाली हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं ऑलरेडी सब्जी काट के रेडी कर चुकी हूँ, जिंजर गार्लिक एंड चिलीज का पेस्ट सब रेडी कर चुकी हूँ, और बनाने वाली हूँ ये वाला फिश जो हम लोगों का बहुत बहुत पसंदीदा फिश है। और ये आप लोग देख के समझ सकते हो ये है पॉम्फ्रेट फिश। खाना बनाने वाली हूँ फिश करी, एंड वहाँ पे राइस कुकर में मैं राइस चढ़ा चुकी हूँ, राइस एंड फिश करी। और बंगाली लोगों को क्या चाहिए, फिश होगा तो कल कुछ बना लेंगे फिर से, बट आज रात के लिए सिर्फ होगा फिश एंड राइस। यहाँ पे बहुत अच्छा एक मार्केट है, वहाँ से नॉन वेज आइटम बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, तो ये वाला मिला है एक कोरियन स्टोर से, एच मार्ट है। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो लाइव फिश मिलता है उधर। मैं पहले रहता था, मैं जब बैचलर था तो कोलोराडो पे रहता था, तो कोलोराडो पे कोरियन स्टोर एच मार्ट से हम लोग ये खरीदारी करते थे एकदम। बट मुझे ना रोहू फिश खाने का बहुत मन कर रहा है। यहाँ पे रोहू मिलता है क्या? नॉर्मली इधर बांग्लादेशी स्टोर में मिलता है, लेकिन इधर शिकागो में मैं जब से आया था तब से मेरे को दिखाई नहीं दिया। हाँ, रोहू फिश मिलता है बांग्लादेशी स्टोर, वो भी मेरे को नहीं मिला उतना। आप लोग जो शिकागो में रहते हो आप लोग हाँ, बोलना कहाँ पे मिलता है। अगर मेरा कोई व्यूअर शिकागो में रहते हो तो प्लीज बताना रोहू फिश कहाँ मिलता है। मैं तो बहुत ढूंढा, जहाँ जहाँ हम लोग दुकान में शॉपिंग करते हैं वहाँ हम लोग ढूंढा, बट हम लोगों को नहीं मिला अभी तक। शायद है बट हम लोगों को नहीं मिला। तो यहाँ पे जीतू कर रहा है फिश का कटिंग, क्योंकि ये सब बाबा मुझसे नहीं होता है। तो खाना बनाना स्टार्ट करते हैं क्या? में इतना स्वाद होता है ना, उससे उसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करना ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही पॉम्फ्रेट में इतना अच्छा एक स्मेल होता है ना, जैसे प्रॉन और ऐसे श्रिम्प में ज़्यादा कुछ ऐड करना ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कट कर लिया, मैं नहीं जीतू कट किया पॉम्फ्रेट। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैरिनेशन कर लूँगी, लाइक थोड़ा सा हल्दी दूँगी और थोड़ा सा नमक से मैरिनेटेड करके 10 मिनट रखूंगी, उसके बाद में फ्राई कर लूंगी इसको। अगर मछली फ्राई करना हो तो तोहफे में कुछ छीटा वीटा भी मिलता है। यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा स्पॉट है। तो मेरे पास एक साइकिल था, तो पापा मम्मी बोलता था कि हाँ चलो थोड़ा सा, अगर कटेगा नहीं पैर, हाथ छिलेगा नहीं तो कैसे सीखोगे। तो ऐसे ही खाना पकाना भी वैसे ही। तेल हो चुका है और इस वाला मछली से इतना ज़्यादा ऑयल निकला, क्या बोलूँ मैं। इतना सारा ऑयल भी नहीं दिया, यहाँ से मैं निकाल लिया यहाँ पे ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे कड़ी बनाने के लिए। थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया और यहाँ पे अभी मैं तेल गरम है, यहाँ पे मैं होल स्पाइसेस दे दूँगी। यहाँ पे होल स्पाइसेस में है इलायची, लौंग, सूखा मिर्च, दालचीनी एंड तेजपत्ता, सब कुछ मैं एक साथ दे दूँगी। कुमेंट सेट्स के हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लिटिल बिट जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। इस देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसमें मैं जो एक अनोखा चीज़ ऐड करूंगी, थोड़ा सा टमेटो सॉस, टमेटो केचप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो बर्तन था वो हाथ में ही धो लिया, क्योंकि बहुत ही थोड़ा था, इसलिए डिश वॉशर में मैं नहीं डाली डिश वॉशर में। किचन भी साफ करना हो गया, अभी बेसिन साफ कर रही हूँ। खाना पक चुका है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ करी कैसे हुआ है। गाइस देखिए कलर कितना अच्छा आया। लास्टली मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा घी। तो गाइस अभी खाना वाना हो गया, डिनर हम लोगों का हो गया। आज डिनर करते करते बहुत रात हो चुका है, तो मैं रूम पे भी चली आई। मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रहा है। इतना काम, खाना बनाना, फिर साफ सफाई करना। तो खाना तो बहुत अच्छा था और आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बहुत टायर्ड हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश होना है उसके बाद, क्योंकि खाना बनाते टाइम इतना स्किन इतना चिपचिपा हो जाता है ना। रात के सोने के टाइम अगर फेस वॉश नहीं करेंगे तो फिर पिंपल आ जाएगा। तो फिर अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे, उसके बाद सो जाएंगे। बहुत थकावट फील हो रहा है। आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मिलो। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।